कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई नया क्लाइंट साइन अप किया है या फिर नई जॉब ज्वाइन की है और आपका क्लाइंट या बॉस आपसे बोलता है कि भाई जल्दी से जल्दी मुझे अपनी वेबसाइट को नंबर वन रैंक पर देखना है? अगर ऐसा हो चुका है आपके साथ में तो आज के बाद आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि नंबर एक पोजिशन नहीं बल्कि जीरो पोजिशन पर लेके जाऊंगा। वेल, जीरो पोजिशन का मतलब नीचे से जीरो, नीचे से टॉप करना नहीं बल्कि ये वाला जीरो, पोजिशन जीरो, फीचर्ड स्निपेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आप कैसे सिर्फ 9 पॉइंट्स को फॉलो करके अपने पेजेस को, अपनी वेबसाइट को पोजिशन जीरो यानी कि फीचर्ड स्निपेट पर लेके जा सकते हैं। ये 9 एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, आपने अभी तक कहीं और नहीं देखे होंगे, इन्हें फॉलो करना है और अपनी वेबसाइट को जल्दी से जल्दी पोजिशन जीरो यानी कि फीचर्ड स्निपेट दिलाना है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ के एक ऐसी एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी वेबसाइट को फीचर्ड स्निपेट दिखा सकता है, पोजीशन वन से व्यू पर पोजीशन जीरो पर पहुंचा सकता है। आपकी वेबसाइट को मिलता है बढ़िया सा सेलिब्रिटी वाला लुक, ज्यादा इंप्रेशन और ब्रांडिंग मिलती है वो फ्री की। आप क्लाइंट के आगे सीना चौड़ा करके जा सकते हैं, बॉस को हुल दे सकते हैं, बट आखिर फीचर्ड स्निपेट आएंगे कैसे? वेल, यही है जो आज के वीडियो का टॉपिक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर फीचर्ड स्निपेट को कैसे लेके आना है। फीचर्ड स्निपेट्स को अर्न करने के लिए आपको इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को निपटते हैं। नंबर एक, प्लानिंग योर कीवर्ड। आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पर फीचर्ड स्निपेट अभी दिखाई दे रहे हैं? गूगल हर किसी कीवर्ड के लिए फीचर स्निपेट्स को नहीं दिखाता है, ये अपने आप में चैलेंज है। सो आपको देखना होगा कि आखिर वो कौन कौन से कीवर्ड हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जिन पर गूगल ऑलरेडी फीचर्ड स्निपेट्स दिखा रहा है, ताकि आप सबसे प्लानिंग कर सकें। इस बोरिंग काम को आप सेमरश के जरिए जल्दी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हम सेमरश में कीवर्ड मैजिक टूल को ओपन करते हैं और यहां पर आपको अपने सीड कीवर्ड को या जो भी आपका टॉपिक है उसको सर्च करना है। और जब आपको कीवर्ड की लिस्ट मिल जाती है तो हम यूज करेंगे एक फिल्टर। यहाँ एडवांस फिल्टर पर क्लिक करिए और सर्व फीचर्स की लिस्ट में से फीचर्ड स्निपेट को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अप्लाई बटन पर क्लिक कर लीजिए। नाउ अब आपके पास उन कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई है जिन पर गूगल ऑलरेडी फीचर्ड स्निपेट्स दिखा रहा है, इन्हीं कीवर्ड्स को आपको भी यूज करना है। इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए आप कितने कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं और उनकी लिस्ट अलग से बनाकर रख लीजिए एक एक्सेल शीट में। पॉइंट नंबर दो, ऑब्जर्व एंड प्रिपेयर। एक बार जब आपने टारगेट कीवर्ड्स की लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट स्टेप से, तो फिर हम इन सारे कीवर्ड्स को जाकर गूगल पर सर्च करेंगे और देखेंगे कि अभी फिलहाल जिन पेजेस को फीचर्ड स्निपेट मिल रहे हैं उन पेजेस का कंटेंट कैसा है, कंटेंट किस टाइप का है, आर्टिकल है, केस स्टडी है, व्हाइट पेपर है क्या, और उसमें कितने फैक्ट्स हैं, कितने फिगर्स हैं, कितना सॉलिड डेटा है, ये सब मेजर करना होगा ताकि आप अपने पेजेस को तैयार कर सकें। इन टारगेट कीवर्ड्स के लिए आपकी वेबसाइट पर पेजेस हैं या नहीं है कोई अभी कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछेगा कि क्या हम थोड़ा बहुत चेंज करके पुराने वाले कंटेंट कोई फीचर स्निपेट में तो नहीं लेके आ सकते हैं। इट डजंट वर्क दैट वे। अगर आपके टारगेट कीवर्ड के लिए आपके पास पेजेस हैं तो फिर जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं उन्हें यूज करके हम फीचर स्निपेट अर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेडिकेटेड पेजेस हैं ही नहीं तो फिर एमी किसी पेज को भी खराब करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट न्यू पेजेस एंड मेक बेटर कंटेंट देन द करंट पेज जिसको फीचर स्निपेट अभी मिल रहा है। फीचर स्निपेट किसी एक छोटे पार्ट से ही मिलेगा लेकिन पूरे पेज की क्वालिटी मैटर करती है। आपकी वेबसाइट पॉपाई की तरह नहीं है जो सिर्फ फॉर्म वाम मजबूत करेंगे तो काम चल जाएगा, पूरी वेबसाइट स्ट्रांग होनी चाहिए। नंबर तीन, ऑप्टिमाइज हेडिंग्स। अपने प्राइमरी कीवर्ड को, जो भी आपका टारगेट कीवर्ड है, उसको हेडिंग्स में यूज करना है, सभी हेडिंग्स में यूज करना है। अपने इकलौते H1 में कीवर्ड नहीं होना चाहिए, सभी H2s में होना चाहिए, सभी H3s में प्राइमरी कीवर्ड का होना जरूरी है। नाउ आई नो गूगल की गाइडलाइंस क्या है, गूगल कहता है कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है और आपको बाकी सारे पेजेस में करना भी नहीं है। हमारी जो कंटेंट वाली गाइडलाइंस है, कंटेंट वाले वीडियोस हैं, इसमें मैंने बताया हुआ है कि कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है सही तरीके से, बैलेंस तरीके से। लेकिन जिन पेजेस को आप फीचर स्निपेट के लिए टारगेट कर रहे हैं वहां पर आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके हर हेडिंग में होना जरूरी है ताकि गूगल को बेटर सिग्नल मिले, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले। दिस इज द ट्रिक दैट यू आर गोइंग टू यूज। पॉइंट नंबर चार, यूज एंड ऑप्टिमाइज टेबल्स। गूगल को टेबल बड़ी अच्छी लगती है, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। आप अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च करके जो भी फैक्ट्स निकालते हैं उन्हें टेबल में फॉर्मेट करके दिखाइए, गूगल को ज्यादा अच्छा लगेगा और गूगल को उस पेज की कंटेंट की क्वालिटी के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये पॉइंट कहीं किसी जगह पर लिखा हुआ नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो आप अपने कॉन्टेंट से रिलेटेड जो भी आपका टारगेट पेज है उसके लिए जो भी आपने डेटा वगैरह कलेक्ट किया हुआ, जो भी एनालिसिस किया है, उसको टेबल फॉर्मेट में भी एक बार जरूर दिखाइए।
पॉइंट नंबर 5, शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको अपने आर्टिकल में शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने चाहिए। लंबी और कॉम्प्लेक्स लाइंस गूगल बॉट के लिए ज्यादा हो जाती है। जब आप किसी फैक्ट को या इवन ओपिनियन को भी छोटी छोटी लाइंस में लिखते हैं तो आप उसे इजी बना देते हैं, जो गूगल का टारगेट है। और इस तरह का जो कॉन्टेंट होता है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की ऑडियंस के लिए सही रहता है और लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होती। गूगल को भी उस कॉन्टेंट को रैंक करना ईजी हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपने अपना कॉन्टेंट छोटे सेंटेंसेस में लिखा है, छोटी लाइंस में लिखा है। हर पैराग्राफ में 3-4 लाइन से ऊपर भी नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 6, 50 वर्ड समरी। यानी कि आपका जो भी पूरा कंटेंट है उसकी एक 50 वर्ड की समरी आपको निकालनी है, 50 वर्ड की समरी बनानी है और उसको आर्टिकल में सबसे ऊपर इस तरह से दिखाना है, टॉप पार्ट में एकदम। यही वो पार्ट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं फीचर स्निपेट में लाने के लिए। राइट, अभी तक की जितने हमने तैयारी की है वो सारी की सारी इसी 50 वर्ड की समरी के लिए है। इसे स्किप नहीं करना है। अगर इस पार्ट को स्किप कर दिया, इस स्टेप को स्किप कर दिया, तो फिर फीचर्ड स्निपेट में आने के चांसेस गड़बड़ हो जाते हैं। राइट, सो आपका जो पूरा का पूरा आर्टिकल आपने लिखा है अच्छा यूनिक कंटेंट है। हर जगह आपने हेडलाइन वगैरह में भी कीवर्ड एंटर की हुई है, लेकिन इसके बाद आपको 50 वर्ड की एक समरी लिखनी है और इसको आर्टिकल में सबसे ऊपर टॉप में ही डालना है। ठीक है, इस तरह से। पॉइंट नंबर 7, रेलेवेंस। आपकी ये जो 50 वर्ड की ये समरी है, इसमें आपके आर्टिकल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए। अभी आप इधर उधर की चीज नहीं सोचेंगे, क्रिएटिव होने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इन 50 वर्ड्स में आपके इस लंबे से आर्टिकल के सिर्फ H2 और H3 ही आते हैं, सिर्फ उन्हीं को आप फॉर्मेट करके लिख रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन इस 50 वर्ड के कंटेंट की जो रेलेवेंसी है वो पूरे के पूरे आर्टिकल के साथ में 100% मैच होनी चाहिए। इस 50 वर्ड में ही पूरे आर्टिकल का जिस्ट आ जाना चाहिए, फैक्ट्स आ जाने चाहिए और ये एकदम कंटेंट से मैच करता हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है पर्सपेक्टिव। यानी कि आपको अपने 50 वर्ड वाले जो पैसेज है आपका, जिसे हम टॉप में सबसे ऊपर लिखने जा रहे हैं, इसमें आपने कीवर्ड को फर्स्ट पर्सन स्टाइल में नहीं यूज करना है। अब ये फर्स्ट पर्सन स्टाइल क्या होता है? अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम गोइंग टू गेट रूट कैनाल डन, तो यहां पर मैं रूट कैनाल कीवर्ड को फर्स्ट पर्सन में यूज कर रहा हूं। बट अगर मैं कहता हूं कि रूट कैनाल इज द मोस्ट कॉमन सर्जरी एंड आई एम गोइंग टू गेट इट डन, इसका मतलब है कि अब मैं इस रूट कैनाल कीवर्ड को फर्स्ट पर्सन स्टाइल में यूज नहीं कर रहा हूं। हमें अपने कीवर्ड को, अपने टारगेट कीवर्ड को अपने 50 वर्ड वाले पार्ट में फर्स्ट पर्सन में यूज नहीं करना है, डायरेक्ट एड्रेस नहीं करना है। इनडायरेक्ट तरीके से बात करिए, ऐसा लगे जिससे वो कीवर्ड जो है उसके बारे में आप उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं सिर्फ। एंड पॉइंट नंबर 9, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। आपके इस पूरे टारगेटेड पेज का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपके इस 50 वर्ड वाली समरी के साथ में मैच नहीं होना चाहिए। आपकी समरी अलग होगी 50 वर्ड की और जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो गूगल आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को ही यूज कर लेगा, उसे फीचर स्निपेट में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फीचर स्निपेट में आपको नया कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका पेज नॉर्मली गूगल रैंक करता है तो भी मेटा डिस्क्रिप्शन तो दिखाई दे रहा है, तो फिर एक ही चीज को दो जगह पर दिखाने का क्या मतलब है? फीचर स्निपेट क्यों दिखाएगा अगर उसे मेटा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा? सो आपकी जो 50 वर्ड वाली समरी है और जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों अलग अलग रहेंगे, ये दोनों मैच नहीं होने चाहिए, इन दोनों के अंदर कंटेंट नहीं मैच होना चाहिए। दोनों रेलेवेंट होने चाहिए पेज से, यहीं पर आपकी क्रिएटिविटी काम आ जाएगी, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, मैच नहीं होने चाहिए, दोनों का अलग होना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। सो इन 9 पॉइंट्स को यूज करिए और आपके आर्टिकल को, आपके कंटेंट पीस को पक्का है फीचर स्निपेट मिल जाएगी। गारंटी तो गूगल में नहीं देता है, बट मेरा एक्सपीरियंस है 90% टाइम पक्का मिल जाएगा। सो आप यूज करें, फीचर स्निपेट गेन करें और क्लाइंट को या बॉस को मुंह तोड़ जवाब दें। सिर्फ जवाब ही मुंह तोड़ देना है, राइट? जवाब दें और अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको प्रूव करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।